तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप नया कंप्यूटर का सेटअप करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप का जो साइज है वो स्क्रीन रेजोल्यूशन है जो काफ़ी बड़ा बड़ा दिखता है। आप देख सकते हैं आइकन भी हमारे कंप्यूटर में काफ़ी बड़ा बड़ा शो हो रहा है। तो इसका रेजोल्यूशन सेट करने के लिए आप कंप्यूटर से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर में राइट क्लिक करें, यहाँ स्क्रीन रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, इसमें क्लिक करें। यहाँ से आप जो रेजोल्यूशन सेटिंग है यहाँ से आप अपने अनुसार इसका रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना छोटा रखना है या कितना बड़ा रखना है। तो जैसे मैं 1280x720 में सेट करता हूँ इसे, यहाँ से अप्लाई में क्लिक करें, यहाँ कीप चेंज में क्लिक करें, ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर का रेजोल्यूशन काफ़ी बेटर हो गया, पहले से अब थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में ये दिख रहा है, आइकन्स भी काफ़ी छोटे हो गए हैं। और यहाँ से मैं कोई भी काम करूँगा तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा कंप्यूटर का। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर का रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेजोल्यूशन ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा कर देने से इनपुट नॉट सपोर्ट का एरर आने लगता है, तो उसका भी ध्यान रखें कि सिस्टम जो रिकमेंड करता है, आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिकमेंडेड कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि सिस्टम जो रिकमेंड कर रहा है उसी में सेट करके इसे अप्लाई करें, तो ये बेटर परफॉर्मेंस आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। ये हमारे कंप्यूटर का हाई रेजोल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं, अब हमारे कंप्यूटर को यूज़ करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर में रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।